पर्यावरण आबाद है तो हम जिंदा हैं, जल हमारा जीवन है। लेकिन केदला बसंतपुर कोयलावासी के कचरा ने यहाँ के नदियों को बर्बाद कर दिया है। ये चुटवा नदी के चपेट में और कई गांव प्रभावित हो रहे हैं। गंदा के कारण से गाय जानवर बहुत मर गया, आदमी की भी प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन आदमी को पता नहीं चलता है। गंदा कितना दिन से बह रहा है? करीब करीब तो ये 10-15 साल हो गए। बसंतपुर केदलावासी और यहाँ से नदी में पूरा सलेरी यहाँ का बहता है, और बहता है तो हम लोग इसी गंदा पानी में नहाते हैं, इससे बीमारी मारी हो जाता है। आपने कंपनी से कभी इसका रक्षा के लिए मांग किए थे? बहुत बार यहाँ पर आंदोलन किए थे, लेकिन कंपनी आज तक कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है। वासरी खुलने से पहले ये चुटवा नदी बहुत ही साफ सुथरा था। यहाँ के आसपास के जितने भी गांव के लोग थे वो नदी में मछली पकड़ते नजर आते थे, लेकिन अब ना मछली है और ना ही साफ नदी। पानी की यदि नदी में ठीक रहता तो कुआं लोग नहीं काटता, और जब कुआं काटा तो पानी जल्दी निकलते ही नहीं है। अब निकलते काटते काटते चला गया कुछ दूर तो निकल गया गैस, उसमें जो है सो 8 होके मृत्यु हो गया। और जब ये खदान उधर जो है सो डिप्लेयरिंग हुआ है तब जो है सो अभी पानी निकल रहा है चंपाकल से, कैसा जो कि तेल मोबिल वाला पानी, जो कि अंदर में तेल मोबिल फेटा हुआ है पानी में, जो खदान जो पानी जमा हुआ है उसमें, वो पानी न पीने के लायक है न कुछ करने के लायक, नहाने में भी चूल उल खराब हो जाता है माथा होता। करोड़ों की कमाई में सीसीएल काला पानी नदी में छोड़कर प्रदूषित कर रही है। मैं दर्शकों से अनुरोध करता हूँ कि पीओ यहाँ के जो प्रबंधक हैं उन पर फोन करके इन नंबरों पर दबाव बनाएं, ताकि गरीब जनता यहाँ के मूल निवासी स्थान निवासी को सुरक्षित रह सके और पर्यावरण प्रदूषित ना हो। मैं मोहन भुइयां, जिला रामगढ़ झारखंड से, इंडिया अनहर्ड के लिए।